आज हम आपको बताएंगे हिमालयन BS6 की रिव्यू, लाइक उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। और YouTube पे सब्सक्राइब करना तो मत भूलें, राइडर अभी जिंदा है। और वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन, वेलकम टू माय YouTube चैनल राइडर अभी जिंदा। तो आज हम आपको बताएंगे कि हिमालयन BS6 की रिव्यू। मैंने अपनी हिमालयन BS6 को नियरली 600 से अबव ही चला दिया। तो बड़े दिन से था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बताऊंगा कि आपको इसके रिव्यू कैसे हैं हिमालयन BS6। तो सबसे पहले तो मैं यही बता रहा हूँ कि हिमालयन BS4 और BS6 का मीनिंग क्या है। BS6 का मतलब है 12 stage 6 और BS4 है 12 stage 4। तो इस तरह से जो हिमालयन आया न्यू, वो BS6 के साथ आया है, हिमालयन BS6। तो हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हिमालयन BS6 के। ये जो मेरे पास कलर है, ये है ग्रेनाइट ब्लैक, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। इसके मार्केट में और भी कलर अवेलेबल हैं, जैसे हिमालयन के मार्केट में 5 कलर अवेलेबल हैं, ग्रेनाइट ब्लैक, ब्लू, रेड, स्लीट एंड वाइट, और मेरे पास ग्रेनाइट ब्लैक है। अब BS6 के अंदर हिमालयन ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये हमारे आगे हिमालयन BS6। तो जो हिमालयन है BS6, उसका जो मेजर डिफरेंस यही है। सबसे पहले तो इसमें जो ब्रेक सिस्टम है ना, वो है हमारा डुअल चैनल ABS। ये हमारा जो ब्रेक सिस्टम दिया है इसमें, वो डुअल चैनल ABS है। उसको आप जो रियर व्हील का ABS है, उसको आप ऑन भी कर सकते हैं और आप उसको बंद भी कर सकते हैं ना, वो भी यहाँ पे हमारा ABS दिया होता है। आप चाहेंगे तो इस मोड ABS को दबा के यहाँ पे उसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। और दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हमारा जो क्लस्टर मीटर है ना, जो क्लस्टर मीटर है यहाँ पे, उसकी आपको वाइट स्क्रीन देखने को मिलेगी। और तीसरा जो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, इन्होंने हैजार्ड्स लाइट दी हैं, जो कि पहले BS4 में नहीं आती थी। और जो कि मेजर डिफरेंस है हमारा, वो है कि यहाँ पे जो आपका साइड स्टैंड है ना, उसकी लेंथ इन्होंने थोड़ा सा कम कर दी है। पहले जैसी मैं बाइक को साइड स्टैंड पे खड़ा करता था तो उसके गिरने के चांसेस रहते थे, तो अब ऐसा नहीं है। इसमें हमारा साइड स्टैंड का साइज छोटा कर दिया है हिमालयन ने, उसका थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ है, जो कि इसका वेट है 199 kg हुआ है विद हमारे ऑयल के साथ। सो ये है हिमालयन BS6। और जो मेजर चेंजेस है वो है कि इसमें फ्यूल इंजेक्टर दे दिया है, कार्बोरेटर की जगह इसमें अब फ्यूल इंजेक्टर है। तो यहाँ पे जो सिलेंसर है, यहाँ पे कैटलिक फिल्टर मिल जाएगा, जो कि BS6 का है। कैटलिक फिल्टर का यही वर्क है कि जो एग्जॉस्ट से हमारी पोल्यूशन वाली गैसेस होती हैं ना, उन सभी को ये रिमूव कर देता है। और यहाँ पे जो कि थोड़ा चेंजेस देखने को मिला, यहाँ पे एक बैंड है, और जो कि यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने अपनी प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं, लाइक यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस सिलेंसर के बारे में। और जो कि हिमालयन BS6 का इंजन पूरा ही रिफाइन कर दिया है, जो कि पहले थोड़ी बहुत इंजन में प्रॉब्लम होती थी, बोलते थे कि क्लच की प्रॉब्लम है, वो सारी BS6 में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे अब क्या है कि जो कि हमारी प्लास्टिक का कवर है, उसके ऊपर हिमालय लिखाने लगा है वाइट कलर में। बड़ा ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, जिससे फील भी होता है कि ये कौन सी बाइक है, पता लग जाता है। पहले जो कि एक्सपोर्ट थी बाइकें थी, उन्हीं में शोकर के ऊपर रिफ्लेक्टर आता था, लेकिन अब रॉयल एनफील्ड ने क्या किया है, यहाँ पे शोक एब्जॉर्बर के ऊपर भी रिफ्लेक्टर दे दिया है। और जो कि जब हम डुअल चैनल ABS की बात करें, जिस वायर में से हमारा होस में, जो उनसे हमारी होस पाइप है, उसमें से जब ऑयल ट्रैवल करता है हाइड्रोलिक, उसकी क्वालिटी भी कितनी इम्प्रूव की गई है, बिल्कुल ब्रेडी टच में है लाइक। और जो सेंसर की वायर है और जो हीट एक्सचेंजर है, उसके आगे इन्होंने एक शील्ड दी हुई है कि जिससे कोई चीज़ ना टकराए। और नीचे भी लाइक आप बोल सकते हो कि इन्होंने बाइक बड़ा ही अच्छा तैयार किया है। जो आगे दिया है वो यहाँ पे ABS दिया है, ABS के साथ जो सेंसर की वायर है वो भी बड़ी अच्छी तरह डाली गई है, लाइक आपको कोई भी मिस नहीं मिलेगी।
जैसे कि देखो आप कितने अच्छे से इन्होंने डाली हुई है यहाँ पे। ये इसका BS6 का ABS है। और अगर इंजन की बात करें तो 411cc इंजन मिला है विद 24.5 BHP पावर के साथ, वो भी 6500 RPM पर है। जो इंजन की टाइप है वो है 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड विद EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm है। और इसका जो हमारा टैंक है वो 15 लीटर का है और विद हमें स्विचेबल ABS मिलता है। एक मुझे हिमालयन में नेगेटिव पॉइंट मिला है, वो है कि हिमालयन में किक नहीं है। लाइक ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट की एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो और तो यहाँ पे उसे आपको स्टार्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जो इसका फ्रेम है वो है हाफ डप्लेक्स स्प्लिट क्रेडल है, और जो कि व्हील का साइज़ है। फ्रंट जो टायर का साइज़ है वो है 19-90-21 और रियर का साइज़ है 120-90-17। और जो हमारा फ्रंट की डिस्क है वो है 300 mm और जो रियर की डिस्क है वो है 240 mm। और जो हमारे टैंक की कैपेसिटी है वो हमें 15 लीटर है और रिज़र्व में लो इंडिकेशन वार्निंग में हमें इसमें मिलता है 5 लीटर। यहाँ पे जो मेरा कि ये इंजन का है, ये इंजन का यहाँ पे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, जो कि हमारी एग्जॉस्ट से गैसेस निकल रही होती हैं उसको कंपाइल करके डाटा EFI के अंदर फीड करता है एयर को। और ये हमारा यहाँ पे इसके अंदर ही EFI है। और यहाँ पे ये इंजन का प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो इंजन के टेम्परेचर को बताता है। और हम अब बात करते हैं सस्पेंशन की। रियल व्हील जो हमारा ट्रैवल करता है सस्पेंशन में 180 mm, और जो कि हमारी फ्रंट है वो हमारा ट्रैवल करता है 200 mm। जो उसकी टाइप है वो हैगी है टेलीस्कोपिक टाइप हाइड्रोलिक डैम्पिंग है, जो एक आपको अच्छी मजबूत स्ट्रेंथिंग ऑफ रोड में प्रोवाइड करती है। विंडस्क्रीन में भी बड़े अच्छे से डाला हुआ है, आपको यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगी जब इंजन स्टार्ट होता है। तो एक बात और यहाँ पे एक अच्छी है, इंजन के ऊपर एक टेम्परेचर सेंसर दिया गया हुआ है। वो टेम्परेचर सेंसर इंजन के करंट टेम्परेचर को शो करता रहता है। जैसे कि अब विंटर्स में टेम्परेचर 10 डिग्री से जब माइनस चला जाए तो वहाँ पे उसको शो करेगा कि उसका टेम्परेचर कम है और वहाँ पे हम चोक लगाएंगे। और अगर हम बाइक को ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं लाइक 600 किलोमीटर 700, और इंजन का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हीट अप होता है तो हम वहाँ पे उसे थोड़ी देर के लिए रोक के इंजन को ठंडा भी कर सकते हैं। और जो कि इसका इंजन है ना वो एक अलग ही लुक में है, जो 350cc से डिफरेंट है। उसके ऊपर ना एक मैट फिनिश किया हुआ है पेंट है, लेकिन इनका जो पेंट की क्वालिटी है ना वो इतनी बेटर है, लाइक जैसे जैसे बाइक का इंजन ओल्ड भी होता जाता है तो वो पेंट डल नहीं जाएगा। जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलेगी, और जो कि लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे एक फिल्टर दिया हुआ है। और जो कि सस्पेंशन है वो तो हिमालयन का शुरू से ही अच्छा है। ये एक प्रॉपर एडवेंचर और टूरिंग बाइक है। तो जो हिमालयन की सीट है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है। और सीट को कैसे ओपन करना है, यहाँ पे इसकी की लगेगी और ये रियर सीट ओपन हो जाएगी। और रियर सीट के नीचे ही आपको टूल किट मिलेगी, और जो कि हमारी फ्रंट सीट है उसके नीचे एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स को आपको ओपन करना है, यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को कैरी कर सकते हो। और अगर हम बात करें कि टायर में प्रेशर कितना करना है, तो सोलो में फ्रंट में आपको रखना है 25 PSI और रियर में आप रखोगे 32 PSI। और विद पिलियन के साथ आपको फ्रंट में टायर का प्रेशर रखना है 27 PSI और रियर का रखना है आपको 34 PSI। मैंने कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कराए हैं, जो कि आफ्टर बाइक लेने के बाद मैंने एक ये हैंड के जो गार्ड लगवाए हैं और उसके नीचे एक मैंने लेग गार्ड लगवाया है, और बाकी मेरा S2S बाइक है। और जो कि क्लस्टर मीटर है वो तो आपको भाई ऐसे फीलिंग आएगी कि जैसे एरोप्लेन ही ट्रैवल कर रहे हो। और यहाँ पे क्लस्टर मीटर की बात करें तो सबसे पहले अपर साइड यहाँ पे जो कि है मीटर की रेंज है वो किलोमीटर पर आवर है, और निचली साइड जो आपको
माइल पर हावर देखने को मिलेगी। और जो ये हमारा गियर की शिफ्टिंग को दिखाता है, यहाँ पे टाइम है, ये हमारे इंजन के टेम्परेचर को दिखाता है, और उसके बाद यहाँ पे आपके ओडोमीटर है, लाइक आपने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया है। उसके बाद आप जब सेलेक्ट का बटन दबाते हो, वहाँ से आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी और इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जब आप बाइक स्टार्ट नहीं करते हो तो यहाँ पे एक इंजन का सिंबल आता है, जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ी टाइम के लिए ऑन रहेगा, वो ये बताता है कि FI रेडी है। ये हमारा बाइक दिखा रहा है कि ये न्यूट्रल में है, और ये हमारा बैटरी का सिंबल दिखाता है जब हमारा बाइक ऑन नहीं होता है। और जैसे कि अब ये है डुअल चैनल ABS है, और ABS को आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। ABS का जैसे ही आप ऑन करोगे यहाँ से, तो आपका फ्रंट चैनल तो ABS पे रह जाएगा और बैक वाला जो टायर है वो ABS से चला जाएगा। और जैसे ही आप इसको दोबारा बाइक को ऑन करके ऑफ करोगे तो ABS दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। और ये हमारा RPM मीटर है, और इधर हमारा ये फ्यूल इंडिकेटर है, और ये हमारा जो कि यह डायरेक्शन है, जैसे कि जो आप दिखा रहा है साउथ ईस्ट दिखा रहा है जो, तो इस तरह से एक क्लस्टर मीटर में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब जैसे कि ये जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये जो स्पैनर बना हुआ है, ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे आपकी बाइक सर्विस को जाने वाली है। जैसे मैंने अभी सर्विस कर लिया, लेकिन अभी मुझे इसे रीसेट करना है मिलेगा। और यहाँ पे ये चोक दिया हुआ है, जैसे आपको बाइक की चोक ऑन करना है, वो थोड़ा सा सस्पेंशन चेक कराते हैं। ये जो रोड्स हैं ये मेरे अपने टाउन के रोड हैं, आज तो मौसम बड़ा ही प्यारा है, तो ऊपर से हिमालयन मौसम भी सुहावना। हिमालयन एक टूरिंग बाइक है, वो आपको वैसे ही उसकी आवाज़ तो थोड़े से पहले थम कम हुई है BS6 में, आप देखोगे कि इसकी इंजन की रिफाइन कितनी है, वो आपको ना स्मूथनेस एक राइडर ही बता सकता है। अगर आपने पहले बहुत सारी बाइकें चलाई हैं तो जब आप हिमालयन BS6 चलाते हो तो वो एक अलग ही स्मूथनेस है ना। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी तो आपको और भी बड़े बड़े ट्रिप दिखाएंगे, नेपाल लेके जाएंगे, भूटान लेके जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप हिमालयन को लेने का प्लान कर रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा कि ले ही लिए, कोई ज़्यादा कॉस्टली बाइक नहीं है। और जो कि प्राइस है इसका 189 तो शोरूम प्राइस है, और जो कि आफ्टर ऑन रोड प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जो मुझे ये पड़ा है आफ्टर इंश्योरेंस कुछ प्राइस जैसे फिक्स है, तो मुझे ये पड़ी है ओनली 2,26,000। तो इस तरह से अगर आप इसको बाय करने का प्लान बना रहे हैं तो वो आप डिपेंड कर लिए आपको कौन सा कलर लेना है। बाइक कोई कमी नहीं है बाइक में, तो चाहे आप इसे ऑफ रोड चलाएं चाहे ऑन रोड चलाएं, ठीक है आजकल कंपटीशन बहुत है और भी बहुत बाइक्स हैं, लेकिन जो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं ना यहाँ पे रग, लाइक एक स्ट्रेंथ है इस बाइक में, इसलिए मेरी शुरू से ही नज़र थी इस पर कि मुझे हिमालयन ही लेना है। तो बाइक की बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुई है, तो उसके बाद से भाई जो इसका BS6 का इंजन आया ना वो तो बिल्कुल ही रिफाइन करके दे दिया है। और अभी मैंने इसे गुड रोड्स पे चलाया है, थोड़ा बहुत मैंने ऑफ रोडिंग के लिए इसे, हमारे यहाँ पे ऑफ रोडिंग होती है जैसे कि नहर के साथ साथ है, वहाँ पे ट्राई किया है, वहाँ पे भी इसकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी रही। तो ये है भाई हिमालयन BS6 जो मैंने अभी लास्ट मंथ ही परचेज किया है, तो 6 मंथ की वेटिंग की थी मैंने, वो भी इसलिए क्योंकि COVID-19 का केस आ गया था, तो मैंने मार्च में इसे बुक किया था। ये तुसी परफॉर्मेंस की गल करो, जेडी टर्बो है ना जी वो कमाल दी है, कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार, कैसे मर्जी चलाओ पता ही नहीं लगता कि कब 60-80 पहुंच जाती है। तो जो मैं मैनुअल में पढ़ रहा था 0-60 है इसका नियरली 5-6 सेकंड में ही है, और वो रियल में है भाई, पता लगता है आपको बाइक चलाने के बाद भी आप कोई पावर महसूस कर रहे हो। और जो ऑफ रोडिंग भी आपको चला के दिखाएंगे इसको अभी, तो ये है भाई हिमालयन BS6। तो हिमालयन ऑफ रोडिंग में कुछ अलग ही दिखाती है हमेशा, लाइक मैंने पहले भी चलाया इसको और अब भी, लाइक ऑफ रोडिंग में तो एक इतनी स्मूथनेस हो जाती है ना कि
कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप गुड रोड पे चला रहे हो क्या ऑफ रोड पे चला रहे हो। एक स्टेबल है पूरा, लाइक आप फील करते हो कि आप इस बाइक पे खड़े हो जाओ बैठ जाओ। तो दोनों तरफ इसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और मुझे तो एक अच्छा ही अलग फील हो रहा है। जैसे मेरे पे पहले क्लासिक 350 था तो उसमें कुछ अलग फील थी, लेकिन हिमालयन भाई रिस्पेक्ट है। और जो कि बाइक की स्पीड है वो पहले 500 है, तब आपको जो इसकी स्पीड है वो 60 से मैक्सिमम नहीं लेके जानी है, और RPM की जो नीडल है वो 3 से नहीं ज़्यादा जानी चाहिए। और आफ्टर 500 टू 2000 तक जो इसकी आपको मैक्सिमम स्पीड है वो 80 रखनी है, और जो कि RPM मीटर की नीडल है वो 4 तक है। और आगे आपको मैं इसकी सर्विस की भी बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको इसकी सर्विस करनी है, कैसे कैसे आपको मेंटेनेंस रखनी है। तो ठीक है, मैंने पहले कुछ व्लॉग देखे थे तो बोल रहे थे कि हिमालयन में चैसी की प्रॉब्लम है, ब्रेक हो जाती है। भाई देखो, अगर आप बाइक की मेंटेनेंस नहीं करोगे ना तो हर एक बाइक आपके लिए जीरो है। मेरे पास इससे पहले क्लासिक 350 था, उसका भी रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा, और हिमालयन का तो आप पूछो ही मत। और ऑफ रोडिंग की बात करें, भाई ऑफ रोडिंग में इसका सस्पेंशन एकदम ही अलग है, जो मैंने अभी फील भी किया है, बड़ा ही अच्छा है। सो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है हिमालयन का वो काफ़ी अच्छा है, आप इसे कभी भी निराश नहीं होंगे। तो मैंने तो बड़ा ही सोच समझ के बाइक लिया था, सभी मैंने इसके मुझे ड्राबैक्स लाइक मुझे सब पता था कि क्या कमी है क्या नहीं, तो सब अच्छा है। कोई भी बेसोच हो के आप बाइक लें, सब अच्छा चलता है। अच्छी आप बाइक की मेंटेनेंस रखिए और इसको ऑफ रोडिंग पर ट्राई करिए। अभी मैंने भी ऑफ रोडिंग पर जाना है स्पीति, अभी देखता हूँ कि कब कोविड-19 का ओपन होता है, तो आपको मैं इसकी ऑफ रोडिंग दिखाऊँगा। जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।